एवरीवन आज एक नई ट्रेनिंग वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं और जैसे कि हमारी पुरानी वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि आजकल हमारा टूल्स पे काम चल रहा है टूल्स में आपको सिखा रहा हूँ एक एक वीडियो में कुछ टूल्स के बारे में नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिल रही होंगी और आज भी ये वीडियो जो है ये कुछ एक्स्ट्रा टूल्स में आपको सिखाने वाला हूँ और आप इसको ट्राई भी कर रहे होंगे जो हमने पिछले टूल सीखे हैं और उम्मीद है कि आप लोग को जो कन्फ्यूशन वगैरह है वो भी दूर हो गई होगी तो ये है कि आज भी एक आपके सामने कुछ नए टूल्स लेकर आया हूँ जैसे कि आप ये देख रहे होंगे एक ये पिक्चर है और ये काफ़ी पुरानी पिक्चर है ये शुरू के जो वर्जन से फ़ोटोशॉप के उसमें आती थी एज अ सैम्पल के तौर पर तो आज हम इसी पिक्चर पे काम करने वाले हैं तो आज का जो टूल है जो आज के जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो तीन टूल्स हैं जिसमें आता है स्पॉट हीलिंग ब्रश हीलिंग ब्रश और पैच टूल ये बेसिकली फोटोज पे काम करता है जब आपके फोटोज पे कुछ मार्क वगैरह हों या क्रैक्स हों या कुछ भी स्किन चेंज हो या कलर चेंज हो उसके तो किस तरीके से आप उसको बेहतर कर सकते हैं तो उसके लिए ये ब्रशिंग टूल्स काम आते हैं और मैं आपको एग्जांपल के तौर पे इस पिक्चर पे दिखाऊंगा भी किस तरीके से ये ब्रशेस जो हैं वो काम करते हैं और किस तरीके से आप इसको और भी बहुत सारी पिक्चर्स में यूज़ कर सकते हैं चाहे वो आपकी फ़ेस की पिक्चर हो या कोई भी ऐसी पिक्चर हो जिसमें क्रैक्स वगैरह या कुछ स्पॉट वगैरह हो तो उसको आप इजीली उसको रिमूव कर सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को सबसे पहले जो है वो मैंने लिया है हीलिंग ब्रश टूल हीलिंग ब्रश टूल ये भी ब्रश टूल की तरह ही है और मैंने आपको बताया था इंक्रीज और डिक्रीज़ करने के लिए ये जो ब्रैकेट के बटन हैं इसमें से जो लेफ्ट साइड पे ब्रैकेट का बटन है उससे स्मॉल हो जाएगा इसका जो डायमीटर है और राइट ब्रैकेट के बटन से इसका डायमीटर बड़ा हो जाएगा अच्छा आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड लेयर पे हमारी पिक्चर है और इस पर हम काम करने हम बैकग्राउंड लेयर पे भी काम कर सकते हैं लेकिन ज्यादा बेहतर ये होगा हम एक न्यू लेयर ले, ले लेते हैं ताकि हमारी पिक्चर जो हम चेंजेस करें वो भी आपके सामने हो आप जैसे देख रहे हैं कि ये पिक्चर जो है हमारी वो बैकग्राउंड लेयर पर है तो इस पर भी हम काम कर सकते हैं लेकिन ज्यादा बेहतर ये होगा कि हम इसकी एक कॉपी ले लें ताकि उससे ये होगा कि जो भी हम चेंजेस करेंगे और ओरिजिनल पिक्चर में आपको फर्क नजर आ सके जो हम कॉपी पे काम करेंगे तो कंट्रोल जे से जो है वो एज इट इज़ इसकी कॉपी आती है ये शॉर्टकट की है कॉपी लेने की लेयर्स की तो जैसे कि आप देख रहे हैं अब हमारे पास बैकग्राउंड लेयर जो है वो आ, जो हमारी पिक्चर है ओरिजिनल और जो लेयर वन है वो भी एक पिक्चर है जिसमें हम आ, ये आ, टूल्स जो हैं वो यूज़ करेंगे ये ब्रश जो है हीलिंग ब्रश जो है वो हम यूज़ करेंगे ये भी आप देखें कि इसका मैंने डायमीटर इतना कर लिया और अब देख सकते हैं इसके बैकग्राउंड पे जो है वो पिक्चर के काफी वाइट क्रैक्स वगैरह हैं जो और फेस पे भी और हेयर्स पे भी नजर आ रहे होंगे जो कि काफी इतना अच्छे नहीं लग रहे हैं किसी भी पिक्चर पे तो हमें अगर वो रिमूव करने हो तो हम किस तरह करेंगे हमने हीलिंग ब्रश टूल लिया है हीलिंग ब्रश टूल से हमने पहले उस जगह पे क्लिक किया है जो आपको लग रही है कि बिल्कुल स्मूथ जगह है और सबसे पहले जो काम हम करेंगे वो ऑल्ट की की प्रेस करेंगे ऑल्ट की की से देखिए ये जो है वो उस स्पॉट पे आप उसको लेकर जाएंगे जब ये बैकग्राउंड को पिक करेगा आप वो स्पॉट देख लें कि जो आपको लग रहा है कि स्मूथ वॉल है या स्मूथ सरफेस है आप उससे इस स्पॉट को पिक करेंगे और फिर वो दूसरी जो क्रैक्स जो स्पॉट आपको वॉल नजर आ रही है या बैकग्राउंड नजर आ रहा है उस पर हम इसको रब करेंगे तो ऑल्ट से मैंने ये जगह देख रहे हैं तो ये मुझे काफी बेहतर नजर आ रही है इससे हमने इसको पिक कर लिया है और अब देखें आप इस पर जैसे ही हमने पिक कर लिया है और उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता इसको यूज कर रहे हैं और ये रिमूव करता जा रहा है जैसे ही हमने इसको पिक कर लिया आप इसको यूज करते जा रहे हैं और आप खुद देख रहे होंगे कि जितने भी वाइट स्पॉट्स हैं वो ईजिली आपको रिमूव होते हुए नजर आ रहे हैं तो हमने इसका एक ये देखें। अब आप देख सकते हैं राइट साइड पे फ़र्क देखें और लेफ़्ट साइड पे फ़र्क देखें लेफ़्ट साइड में मोस्टली जितनी भी क्रैक्स थे और जितने भी स्पॉट आप बोल सकते हैं वो सारे रिमूव हो चुके हैं तो हीलिंग ब्रश बड़ी स्मूथली काम करता है आप इसको सिर्फ एक ऐसा जगह आप इसको रखें जहाँ पे आपको लग रहा है कि स्मूथ सरफेस है और वैसी ही होनी चाहिए आपकी वॉल पर या आपके बैकग्राउंड पर आप सिर्फ उसको ऑल की की से उसकी वो पॉइंट को पिक करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जो है वो पूरी जो भी आपका बैकग्राउंड है जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ स्पॉट्स हैं तो उससे आप इसको क्लियर कर सकते हैं इसी तरह हम अगर दूसरे टूल को देखें स्पॉट हीलिंग टूल ये भी कुछ इसी तरीके से काम करता है स्पॉट जो है इसके लिए स्पॉट हीलिंग ब्रश और हीलिंग ब्रश में ये फर्क है दोनों में आ, कि हीलिंग ब्रश में आपको ऑल की, की से एक पॉइंट पिक करना पड़ता है जो आपको लगता है कि स्मूथ है और फिर आप उस पर काम करते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश में आपको कोई पॉइंट आपको नहीं यूज करना आप सिर्फ इसको सिलेक्ट करें और नॉर्मली इसको ड्रैग करते जाएं। तो ये ये क्या करता है कि ये से जो स्मूथ सरफेस होती है उससे कलर पिक करता है और ये आपकी सरफेस को ये देखें सिर्फ मैंने कोई ऑल्ट की से इसको सरफेस नहीं चूज की सिर्फ मैंने इसको डायरेक्टली यूज किया है ये देखें कितनी इजीली ये जो है ये आ, कलर को इर्द गिर्द के सरफेस से ये पिक करता है और आपको एकदम स्मूदली आपको ये सरफेस देता है तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल्स हैं ये जो है चाहे वो हीलिंग ब्रश हो जाए या स्पॉट हीलिंग ब्रश हो जाए कितनी स्मूदली और आपको मैं फर्क भी दिखा सकता हूं ये देखें ये हमारी ओरिजिनल पिक्चर थी और ये हमने जो लेयर पे काम किया है तो काफी ज्यादा इसका बैकग्राउंड बेहतर हो गया है और आप ये हेयर्स पे भी यूज कर सकते हैं तो वो इर्द गेट से ये देखें इर्द गेट से जो है वो काफी बेहतर तरीके से जो है वो चीज़ें ले सकते हैं लेकिन अगर स्पॉट हीलिंग टूल में ये मसला है कि अगर इर्द गिर्द की सरफेस कुछ ज़्यादा ख़राब है तो वो इस इर्द गिर्द की सरफेस से ख़राब ही सरफेस लेके उसको कोशिश करेगा कि वही पेस्ट कर दे तो ज़्यादा अगर सरफेस ख़राब है तो आप के लिए बेहतर है कि हीलिंग ब्रश यूज़ करें तो हीलिंग ब्रश को आप साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं आपने ऑल्ट से या की दी इसको सिलेक्ट कर ली सरफेस और ये देखें कितनी आसानी से जो है वो आपने ये सरफेस यहां से सिलेक्ट की और यहां से ये सरफेस सिलेक्ट की और ये देखिए तो कुछ बारीकी से आपको काम करना पड़ेगा इस पे पूरे उस पिक्चर पे जाके आपको रिमूव कर सके तो आपने देखा कि हीलिंग ब्रश और स्पॉट हीलिंग ब्रश में क्या फ़र्क है अगर सरफेस बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आपके लिए बेहतर है कि आप हीलिंग ब्रश यूज़ करें जो सही सरफेस है उसको ऑल्ट की की से आप उसको पिक करें और फिर अपनी पिक्चर पे काम करें लेकिन अगर सरफेस में ज़्यादा डैमेज नहीं है या ज़्यादा क्रैक्स नहीं है या ज़्यादा स्पॉट्स नहीं है तो आपके लिए बेहतर है कि स्पॉट हीलिंग टूल ही यूज़ कर लें उसमें आपको सरफेस सेलेक्ट कराने की ज़रूरत नहीं है वो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं इसी तरह हम इस लेयर को डिलीट कर देते हैं हम एक और लेयर लेते हैं और आपको मैं बताता हूं पैश टूल क्या करता है पैश टूल यह करता है पैश टूल जो है वो खराब सरफेस आप उसको सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से ये हमने सिलेक्ट की और उसको ड्रैग करके ले जाएंगे जो सही सरफेस है ये देखें आपने एक सरफेस जो ख़राब थी उसको सिलेक्ट किया और आपने ड्रैग उस तरफ कर देंगे जो सही सरफेस है तो उससे ये होगा वो वही चीज़ पिक कर लेगा जैसे मैंने ये चीज़ सिलेक्ट की मैंने बोला ये सरफेस सही है और ये देखिए कलर वो खुद ही पिक कर लेता है इर्द गिर्द से इन्वायरमेंट से वो कलर जो पिक्चर के होते हैं वो खुद सेलेक्ट करके उस सरफेस को वैसे ही कर देता है जो स्मूद होती है जो आपने उस जिसकी डायरेक्शन दिखाई होती है अब ये देखें मैंने एक और जगह पे सिलेक्ट किया है इसको मैं ड्रैग करके यहां ले जाता हूं और ये देखें तो ये स्पॉट हीलिंग ब्रश हो गया या हीलिंग ब्रश हो गया या पैश टूल हो गया तो ये इसलिए काम आते हैं और पैश टूल का एक और भी बहुत अच्छी चीज है अगर आप ये देखें मैंने इस बटन पे इसको राउंड किया है और इसको मैं यहां पे ले गया हूं तो इसने कितनी स्मूथली जो है वो बटन को काय कर दिया है और इसका वॉइस वर्सा भी हो सकता है अगर मुझे बटन चाहिए दूसरी जगह पे तो मैं उसको भी ला सकता हूँ तो ये देखा आपने कि कितने स्मूथली तरीके से आपने बैकग्राउंड की जो स्पॉट्स uh, थे या आप फेस जब कभी किसी फेस पे यूज़ करना चाहें तो उस पर भी यूज़ कर सकते हैं चाहे वो हीलिंग ब्रश हो स्पॉट हीलिंग ब्रश हो या फिर पैच टूल हो तो उम्मीद है कि ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी और ये टूल्स भी आपको अच्छे लगे होंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो कि आप पिक्चर्स जिनको फोटोग्राफी का शौक है और कभी कभार स्पॉट आ जाते हैं या बैकग्राउंड में कोई ऐसी चीज़ आती है जो आपको रिमूव करनी पड़ती है लेकिन आप कैसे करेंगे क्योंकि बैकग्राउंड में काफ़ी कलर्स वग़ैरह होते हैं तो ये हीलिंग ब्रश स्पॉट हीलिंग ब्रश और पैच टूल जो हैं वो उसमें काफ़ी मदद करते हैं इस वीडियो में इतना ही इन अगली वीडियो में कुछ और टूल्स के साथ आपके सामने हाजिर होंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़